नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताज़ा आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, लखनऊ समेत 7 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजों के खोलने का प्रस्ताव। एक ही TU से संबद्ध कॉलेजों में 25% EWS की सीटें बढ़ेंगी। ये बड़ी अच्छी खबर है कि एक ही TU के लिए 25% सीधे EWS को भी मिलेंगी और बढ़ी हुई होंगी, और वहीं कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी तरह से मिल रही है। तो जो भी अभ्यर्थी BTEC आदि करना चाहेंगे भविष्य के लिए, उनके लिए अवसर मिलेगा। हालांकि इसके साथ साथ जो बेरोज़गारी की समस्या है वह एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी हुई है, उसकी तरफ भी ध्यान देना अति आवश्यक है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रही है। बिहार शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर के 18 से 20 सितंबर तक 9वीं से 12वीं तक का जो रिज़ल्ट है, यानी TGT और PGT का जो रिज़ल्ट है, उसको जारी किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण सूचना है। वहीं अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में BEd अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट रोका गया है और 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का जो रिज़ल्ट है उसको भी घोषित कर दिया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके बिहार शिक्षक भर्ती से। और DLED के ही सिर्फ जो है रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, BEd वालों का रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा, अभी उस पर सलाह ली जा रही है। जैसा कि हमने बताया भी था आपसे, 1 से 5 तक के BEd के रिज़ल्ट पर रोक। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, संसद के विशेष सत्र जो कि 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं, रोजगार अधिकार विधेयक लाए जाने का भी मांग जो है अभ्यर्थियों ने रखा है। संयुक्त युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने संवाद करते हुए 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में रोजगार अधिकार विधेयक लाने की मांग केंद्र सरकार से की है। और जैसा कि आप समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं, शिक्षा कितनी आवश्यक है, और जब सत्र बुलाया ही जा रहा है विशेष, तो यह भी उसमें शामिल कर लिया जाए। वहीं देखिए, असम गवर्नमेंट की तरफ से राज्य सिक्किम सरकारी नियमावली 2006 के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित आदेश जारी कर चुकी है। तो इस तरह से अब धीरे धीरे एक दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पुरानी पेंशन बहाल हो रही है। वहीं GIC के लिए चयनित 968 शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार। राजकीय इंटर कॉलेजों में चयनित हुए 966 शिक्षकों को नियुक्ति का इंतजार है। चयन परिणाम आने के बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। यही सारी चीज़ें दुखद होती हैं छात्रों के साथ। वहीं बिहार भर्ती से एक नई सूचना और भी आ रही है कि विज्ञापन संख्या वेरिफिकेशन से जो अभ्यर्थी छूट गए थे 4 से 12 के बीच में, उनको 13 और 14 तारीख 2 तिथियां और दे दी गई हैं, तो वो अपने काउंसलिंग करा सकते हैं, दस्तावेज़ों का सत्यापन करा सकते हैं। वैसे सारे अभ्यर्थी जो कि छूटे हैं वह इस सूचना को अवश्य ध्यान दें। अगली जो कुछ पिक आपको दिखा रहे हैं हम, ये है बेरोज़गारी का आलम। वे सारे अभ्यर्थी जो कि बिहार या स्टेट देने गए थे, उनकी कुछ पिक हम आपको शो कर रहे हैं, इन्हें देखें। वहीं प्राथमिक के भी अभ्यर्थी जो कि देने गए थे, उनकी भी पिक हमने पिछले वीडियोज़ में दिखाई थी, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ में दूर दूर जाकर के बच्चे सेंटर पे परीक्षाएं दे रहे हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर, तो उनको रोज़गार चाहिए। और ये जो भर्तियां हैं वो फंसी हैं। अभी आप जानते हैं कि माध्यमिक के बारे में सूचना छपी थी कि माध्यमिक तो निरस्त है ही, यहाँ शिक्षा आयोग में भी अभी देरी होगी। तो इस देरी से ही अभ्यर्थी परेशान है और त्वरित कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसी वजह से अभ्यर्थी रोज़गार को अधिकार देने का मांग कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। आप सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें, लगे रहें। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।